मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सुबह के 6 बज रहे और मैंने रंगोली बना दी है। सुबह 4:30 बजे से ही मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो दीपक को मैंने सब्जी और चपाती बनाकर दे दी है। सुबह गोभी की सब्जी बनी थी और अभी अभी दिनेश भिंडी ले आया है, तो पापा जी के लिए भिंडी की सब्जी बनेगी। पहले तो मैं चाय पी। सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लिया है क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जो खाना खाने वाले हैं उनके लिए खाना बनेगा। और हमारा व्रत है, मेरा, दिनेश के पापा का। मेरा तीज का व्रत है और गुरुवार भी है, दिनेश के पापा का गुरुवार है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको हरियाली तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज दिन गुरुवार का है, डेट है 9 सितंबर और आज है हरियाली तीज। और अब सुबह के 10 बज रहे और जो खाने वाले थे उनके लिए खाना बन चुका है। और हमारा व्रत है, मेरा और दिनेश के पापा का। उनका गुरुवार का व्रत रहता है और मेरा तो गुरुवार भी है और हरियाली तीज भी है, दोनों व्रत है। और नित्य पूजा मेरी हो चुकी है। दीपक सुबह 6 बजे ही कॉलेज गया है, उसके लिए गोभी की सब्जी और चपाती बनाई। फिर बाद में दिनेश भी वही खा लिया, उसने भी, उसके लिए अलग से दाल चावल नहीं बनाए आज, क्योंकि तीन ही लोग खाने वाले हैं, दीपक, दिनेश, पापा जी। तो इसीलिए और पापा जी के लिए भिंडी की सब्जी और गोभी की सब्जी नहीं खाते हैं। ऐसा होता है, अलग अलग खाते हैं। 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए अलग अलग खाना बनता है यहाँ पर। इसीलिए मेरा दिन पूरा खाने में, खाना बनाने में निकल जाता है। सबके लिए अलग अलग बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, मगर अलग अलग बनाना है। एक वो सब्जी नहीं खाता है तो कोई उसे जो पसंद है ये नहीं खाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए पूरा दिन इसी काम में निकल जाता है मेरा। तो पापा जी के लिए भिंडी की सब्जी और ज्वार की रोटी बनाए, दीपक दिनेश के लिए गोभी की सब्जी और चपाती बनाए। और तो अब शाम के 5 बज रहे और मैंने हरियाली तीज की जो जो लगने वाला सामान है वो सब मंगवा लिया है। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, और हरियाली तीज है तो हरी हरी साड़ी, हरी हरी चूड़ियाँ पहन लूँगी। पूजा में जो जो लगने वाला है सभी ले आए हैं। तो ये चुनरी है, चूड़ी है और बिंदी, कुमकुम सब यहाँ पर रख दिया है जो पार्वती माता के लिए। और फूल है, कलर कलर के फूल, पत्ते हैं, 11 प्रकार के पत्ते हैं अलग अलग पेड़ों के, जो फल वाले पेड़, फूल वाले पेड़, उनके सारे पत्ते ले आए हैं। और जो सफ़ेद लगने वाला फूल है, लाल फूल है, झुंडू का फूल है, सेवन का, ऐसे अलग अलग प्रकार के फूल ले आए हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर रंगोली बना देती हूँ। और बोलते हैं ये व्रत पार्वती माता ने भगवान शिव के लिए किया था और उन्होंने बहुत कठिन ये व्रत किया था। वैसा तो हमसे नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बालू है, इसे मैंने अच्छे से छन्नी से छान कर अच्छे से धो लिया है। इसकी ही मुझे अब पिंडी बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पिंडी बना रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पिंडी बना ली है। और यहाँ पर साइड में पार्वती मैया है, नंदी है। तो यहाँ पर ये पंचामृत भी बना लिया है। और पहले हम यहाँ पर प्लेट में सुपारी ले लेते हैं। पहले श्री गणेश की पूजा होगी, तो मैंने सुपारी के ऊपर पहले पंचामृत डाल दिया है, फिर बाद में जल। अब हम इन्हें इस तरह से, ये जो पान है ना, इसके ऊपर रख देते हैं। पहले भगवान गणेश की पूजा होगी, फिर मैंने पिंडी के ऊपर भी इस तरह से पंचामृत थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। अब थोड़ा सा जल भी डाल देंगे। अब हमें कुमकुम, चंदन, हल्दी सब लगा लेते हैं। मैंने एक काकड़ी रख दी है, बोलते इस पूजा में काकड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर ये सेब रख दिया है। और पहले तो मैं भगवान गणेश के लिए ये दुर्वा और लाल फूल, अगरडाई सब चढ़ा रही हूँ।
भगवान शिव के लिए बेलपत्र, और जो जो मैंने पत्ते ले आए हैं ये सब 11 पत्ते ये सब मैं रख दे रही हूँ। पूजा श्रद्धा वही होती है सबकी, मगर पूजा करने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ऐसी बनती है और कहीं कहीं ना अलग टाइप से बनाते हैं, मतलब बस तस्वीर ही रख देते हैं। कोई इस तरह से बालू से बना लेता है, कोई मिट्टी से भगवान शंकर का जो पिंड है वो बना लेता है, यहाँ पर इस तरह से बालू से बना लेते हैं। तो बस पूजा वही है, बस तौर तरीके अलग अलग होते हैं। अब मैं इधर ये सीताफल रख दे रही हूँ जो पत्ते के साथ ही ले आए हैं ये, और ये केले हैं। पांच केले रख दे रही हूँ और ये मक्के का कनिस, जो जो मिला है सब लिया है ये। ये अमरूद है और जो बेल का फल होता है ना वो भी जरूरी है, मगर वो मिला नहीं है। और ये चुनरी है माता पार्वती के लिए, चुनरी बिंदी कुमकुम चूड़िया ये सब कुछ माता पार्वती के लिए रख दिया है। झंडू के फूल मैंने रख दिए, ये सेवंत के, वाइट सेवंत के। और ये भगवान शंकर के यहाँ पर मैंने तस्वीर रख दी है, उन्हें भी मैं हल्दी चंदन गंध सब लगा रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। और भगवान अभी समय भी मैं रख दे रही हूँ। और कहते हैं भगवान शंकर तो भोले होते हैं, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई है तो भगवान शंकर माफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने आरती समय धूप सब ले लिया है और सामने मैंने दूध और चीनी रख दी है। तो ये भी आ चुके हैं, इन्हीं का इंतजार हो रहा था तो ये आ चुके हैं। अब कर लेते आरती। तो ये धूप लगा रहे हैं, धूप मैंने पहले ही नहीं लगाया, अगरबत्ती लगाई थी। और दीपक अभी कॉलेज से नहीं आए हैं, वो थोड़े दिन 5 आ रहा था, मगर अब फिर से उसे 7 आ रहे हो, तो अभी तक वो नहीं आए। और पापा जी बाहर गए हुए, वो भी नहीं आए। अब कर लेते हैं आरती। मैंने आपको पूरी आरती नहीं सुनाई है, अगर मैं पूरी आरती आपको सुनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आरती हमारी हो चुकी है, अब कर लेते हैं दर्शन। आज दिन गुरुवार का है तो ये जाएगी शाही बाबा के मंदिर। तो यहाँ पर पूजा आरती हो चुकी है, अब मंदिर जाकर आएंगे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और मैं अब खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि ये व्रत में खाना नहीं खाया जाता है। मैंने साबूदाना गलाकर रख दिया है और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया आज। अब मैं साबूदाना गलाकर उसकी खिचड़ी बनाकर खा लूंगी और ये खाना खाएंगे, तो इन सब के लिए खाना बनाऊंगी। यहाँ पर मेथी की सब्जी, टमाटर और ये सब मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं। इसके लिए यहाँ पर टमाटर ले लिए, मेथी और लहसुन सब काट लिया है और हरी मिर्च कूट लिए, दाल पका कर ले लिया और मेरे लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी।
अब रात के 9 बज रहे हैं, इन्हें आते आते मंदिर से रात के 9 बज ही चुके हैं और मेरा खाना बन चुका है, मेरे लिए खिचड़ी भी बना ली है, तो अब खा लेते हैं खाना। और बाहर ना बहुत ठंडी हवा चल रही है और ये मंदिर गए थे तो इस तरह से रुमाल बांध लेते हैं कानों पर, फिर बाद में हेलमेट डाल लेते हैं। अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे।